तो कितनी अच्छी बनी हमारे पत्ते गोभी की पकौड़े। तो इस पत्ते गोभी की पकौड़ी के लिए हमने लगभग 100 ग्राम के आसपास बंदा गोभी, एक प्याज मीडियम साइज का, दो हरी मिर्च और आधी इंच अदरक का टुकड़ा को हमने लिया है और इस प्रकार से लंबे लंबे शेप में काटा है बंदा गोभी और प्याज के पीसेस को। तो इस प्रकार से अब लंबे लंबे काटेंगे तो पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो सारे को हम एक बॉल में अच्छे से मिला लेंगे। तो इसके बाद हमने ये लगभग एक चम्मच के आसपास चावल काटा लिया है और 4 से 5 चम्मच के आसपास मैदा लिया है। तो अब मसाले डालेंगे। मसाले में हमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और खड़ा जीरा एक चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन और मंगरेला, लास्ट में हम नमक डाल के इसे मिलाएंगे। तो इसे मिलाने के बाद हम थोड़ी सी पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि ये अच्छे से इसका मसाला ये सेपरेट हो सके। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं देंगे, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में डाल के इसे इस प्रकार का इसका डो तैयार करना है। आपको देख के पता चल रहा होगा। तो ये देखिए, तो अब हम थोड़ी सी हरी धनिया इसमें ऐड करके इसे मिला लेंगे। बेसन के पकौड़े तो बहुत खाएंगे आप, इस प्रकार के मैदे के पकौड़े बना के देखें, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, क्रंचीनेस इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। तब हम एक फ्राई पैन लेंगे और इस डो को कुछ इस प्रकार का शेप दे के इसे तेल में डालेंगे। हमें तेल डाल के इसे गर्म करके इस प्रकार से हमने शेप दे के इसे पकौड़े का रूप दिया है। तो बारी बारी से आराम से इसी प्रकार से आप बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारा एक तरफ सिक चुका है, दूसरी तरफ इसे पलट देंगे बारी बारी से। तो ये देखिए, हमारा ये लगभग पक चुका है दोनों तरफ। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पके हमारा। तो ये देखिए, हमारा पत्ते गोभी की पकौड़े बिल्कुल तैयार है। क्रंचीनेस तो इसमें इतना ज़्यादा मिलता है कि आप बेसन का खाना भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छी है ये पत्ते गोभी की पकौड़े। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, कितना बढ़िया हमारा बनके पत्ते गोभी की पकौड़े बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।